The first picture that comes to our mind is something like this. But is this really what elastic means? We will find that out in this video. Let's take an example of a helical spring. When a force of compression or tension is applied, the helical spring gets deformed, that is, it changes in shape or size. This force is referred to as the deforming force. हमारे पास प्राइस और दूसरा फैक्टर है क्वानिटी डिमांडेड ऑफ एनी कॉमोडिटी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑफ डिमांड जब प्राइस नी कॉमोडिटी गोज देन दी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉमोडिटी गोज डाउन रिमेन कांस्टेंट ठीक है ये लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग होता है जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी तो यहां पर प्राइस के इंक्रीज होने पर कंज्यूमर जो है कितनी मात्रा में बेसिकली क्या करेगा क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज करेगा या हम कह सकते हैं कि, कि कितना रिस्पांस दिखाएगा ये रिस्पांस जो दिखाता है बेसिकली वही हमारे पास क्या होती है टेक्निकल टर्म इलास्टिसिटी होती है जिसको हम हिंदी में लोच कहते हैं ठीक है इलास्टिसिटी पर आगे बढ़ने से पहले हम थ्योरीज ऑफ चेंजेस को है वो बिल्कुल पढ़ेंगे तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ चेंजेस बेसिकली हम ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि कितने टाइप के चेंजेस होते हैं ये सभी चीजें जो आपको स्लाइड में नजर आ रही है ये टेक्निकल टर्म्स है इनको सीखना जरूरी है ताकि इलास्टिसिटी का जो टेक्निकल टेक्निकल्ट है वो इजीली समझ में आ पाए ठीक है तो यहाँ पर जो है हमारे पास है इस में हमने ए वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है और वर्टिकल एक्सेस पे हमने किस पे किसको रिप्रेजेंट किया है बी की बी वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है ए वेरिएबल की जो वैल्यू है ए वन से कितनी हो गई है ए टू हो गई है मीनिंग दैट की वैल्यू ऑफ ए इल

वो बीटू क्या है चेंज वैल्यू है यानी बीवन से बीटू जो हमारी इंक्रीज हुई है वो वैल्यू तो बी टू यहाँ पर चेंज वैल्यू है और जो बीवन है B1 आपका क्या है बेसिकली B1 आपका इन स्टार्टिंग वैल्यू है B1 क्या है इनशियल स्टार्टिंग वैल्यू है ये हमारे पास जो जनरल चेंज होता है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज और ये होता है एक्चुअल चेंज ठीक है इसको एब्सोल्यूट चेंज भी बोल सकते हो एक्चुअल चेंज भी बोल सकते हो या जनरल चेंज भी आप इसको बोल सकते हो फिर अब सेकंड टाइप का जो चेंजेस होता है वो होता है प्रोपोर्शनल चेंज जिसको हम रिलेटिव चेंजेस भी बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव चेंज भी बोलते हैं अब जो डेल्टा बी है मीनिंग दैट चेंज इन बी इसको चेंज के मैनर में हम किस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा बी इज इक्वल्स टू बी टू माइनस बी वन मीनिंग दैट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल

यहाँ पे क्या है डेल्टा बी ये क्या है यहाँ पे डेल्टा बी है जो कि यहाँ से अपन ने फाइंड आउट किया एब्सोल्यूट चेंज ये है बी टू माइनस बी वन डेल्टा बी है और अपोन में क्या है B1 है इनिशियल वैल्यू में है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बी में जो चेंज हो रहा है वो बी वन के एक रेशियो में हो रहा है यानी मीनिंग देट कि B में जो चेंज है वो उसके एक इनशियल वैल्यू के अनुपात में हो रहा है या उसके एक रेशियो में हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज बोल रहे हैं वापस समझ लो कि जो बी में चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्रपोशनल चेंज बी में जो चेंज हो रहा है वो बी वन के अनुपात में हो रहा है या बी वन के रेशो में हो रहा है ठीक है यानी मीनिंग बी में जो चेंज हुआ है यहां पर B1 में जो चेंज हो रहा है वो उसकी एक इनिशियल वैल्यू के अनुपात में या इनिशियल वैल्यू के प्रोपोर्शन में हो रहा है इसलिए इसको प्रोपोर्शनल चेंज बोलते हैं नंबर थर्ड पर बात आती है परसेंटेज चेंज की परसेंटेज जो चेंज है वो बेसिकली कुछ नहीं होता है जब हम प्रोपोर्शनल चेंज को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास जो आती है वो परसेंटेज में आती है और उसी को हम क्या बोलते हैं परसेंटेज बोलते हैं ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं ये हमें इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काम में आएंगे ताकि हम उसका फॉर्मुले को जो इजीली समझ पाए ठीक है अब हम डिस्कस करते हैं आगे मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी पर एक्चुअल में इलास्टिसिटी होती क्या है इट मेजर्स हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल अफेक्ट द अनदर वेरिएबल इन सिंपल वर्ड्स रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ चेंजेस इन डिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग जो हमारा आउटपुट वेरिएबल होता है होता, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं इलास्ट्रिसिटी में कब चेक करते हैं जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीनिंग होता है पॉइंट टू बी नोटेड इट ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म इट ऑलवेज मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म ठीक है तो जो इलास्टिसिटी होगी उसको हम एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टर्म में उसको हम क्या करते हैं मेजर नहीं करते हैं इसको हमेशा हम परसेंटेज टर्म में क्या करते हैं मेजर करते हैं इसलिए हमने ये तीनों थ्योरी ऑफ चेंजेस को पढ़ा था एब्सोल्यूट चेंज प्रोपोर्शनल चेंज और परसेंटेज चेंज एक बात और बता देना चाहता हूं जो आपका ये इलास्टिसिटी होती है ये प्रोपोर्शनल चेंज भी होता है प्लस परसेंटेज चेंज भी होता है बिकॉज परसेंटेज चेंज है उसमें प्रोपोर्शनल चेंज क्या होता है इंक्लूड होता है ठीक है तो हम डिस्कस करते हैं हाउ टू मेजर इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करते हैं वापस हमने ओरिजेंटल एक्सेस पे वेरिएबल ए को लिया है तथा वर्टिकल जो एक्सेस है उस पर हमने वेरिएबल बी को लिया है ठीक है तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है ए इज ए बी मीनिंग हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है और बी हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है? है ठीक है सो नाउ इलास्टिसिटीजर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू

ठीक है रिज्यूम किया है सो नाउ इलास्टिसिटी इज सोना टू माइनस ए वन डिड बाई ए वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेडेडेड बाई बी वन मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड अगेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा बी मल्टीप्लाई बी वन डिवाइडेड बाई ए वन सो यहां पर इलास्टिसिटी का फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आ गया है जब हम इसको इसको मैथमेटिकली हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा तो बेसिकली इलास्टिसिटी होती है ये इलास्टिसिटी का का हमारे पास क्या होता है मेजरमेंट करने वर्टिकल चेंज वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाई होरिजेंटल चेंज स्लोप हमारे पास हमने रीड किया है स्लोप क्या था स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज

लाइन या स्लोप ऑफ द फंक्शन में रीड किया है और जो परसेंटेज जो चेंजेस होते हैं उसको इलास्टिसिटी में मेजर किया जाता है इलास्टिसिटी में रीड किया जाता है सो so नाउ अब हम कंक्लूजन पे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं स्लोप और इलास्टिसिटी अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि स्लोप और इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी जो है बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है बेसिकली इनमें एक कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस होता है और वो क्या होता है इसी पर हम डिस्कस करते हैं स्लोप जो है इट इज यूनिट बेस्ड कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्या होता है, का होता है, y y2 y1 x2 x1, है? और वाई यहाँ पे क्या है डिपेंडेंट वेरियेबल है और एक्स यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरियबल है? है तो बेसिकली क्या हो गया एप्सिल्यूट चेंज हो गया जनरल चेंज हो गया तो स्लोप क्या हो गया हमारे पास स्लोप इज द रेशियो ऑफ टू एब्सोल्यूट changes. changes changes It tells us how much dependent variable variable. with respect to one unit changes in independent variable. Unit change one unit change Basically, slope, one unit independent variable, one unit in independent change change जब वन यूनिट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन यूनिट से चेंज होता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने यूनिट से चेंज होगा ये स्लोप का value हमें बताएगा अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की इट इज ए परसेंटेज based कॉन्सेप्ट

तो कितने वैल्यू से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा वो वैल्यू जो है वो उसी को हम क्या कहते हैं इलास्टिसिटी कहते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर बेसिकली आपको स्लोप और इलास्टिसिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा टेक्निकल लेवल पर इनमें क्या है टेक्निकल लेवल पर इनमें क्या है डिफरेंस है बाकी दोनों एक ही चीज है दोनों ही रिस्पॉन्स बताती है या चेंजेस बताती है डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस बताती है जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होता है चेंज होता है बट बात यही है कि स्लोप जो है बेसिकली यूनिट बेस्ड कॉन्सेप्ट होती है और इलास्टिसिटी जो होती है वो किस में होती है परसेंटेज होती है सो थैंक यू वेरी मच मैं बिलीव करता हूँ स्लोप ऑफ के बारे में आपको रीड करना है तो इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आप इसको जरूर देख सकते हैं सो so, मिलते रहिए और जुड़ते रहिए सिविल क्लासेस चैनल से ताकि आपको मिलती रहे बैक टू बैक इकोनॉमिक सीरीज ऑल द